अयोध्या के 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक गांव था। उस गांव में पंडित कृष्णदत्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुंदरी देवी था। एक दिन पंडित कृष्णदत्त दूसरे गांव में कथा सुनाने गए। घर में उनकी पत्नी सुंदरी देवी थी। उसी दिन नारद जी उस गांव में निकले बीड़ा बजाते हुए। तेही दिन तेही पुर नारद आए, कर बीड़ा सिर तिलक लगाए। हाथ में बीड़ा है और सिर में तिलक लगा हुआ है। रामचरित गावत हर साई, तेही पुर नारद निक से आए। राम का चरित्र गाते हुए हंसते हुए बीड़ा बजाते हुए नारद जी निकले। सुंदरी ने देखा कोई महात्मा जा रहे। सुंदरी उठ तुरत चली धाई, करी बहु विनय भवन लई आई। सुंदरी देवी उठ करके दौड़ कर गई और विनय प्रार्थना करके नारद जी को अपने घर ले आई। चरण पखारी चरणो दक लीना, कुछ चरणो दक छिर क्यों अस्थाना। चरण पखारा, चरणोदक पान किया और कुछ चरणामृत छिड़क दिया पूरे घर में। आरती किया, फिर आज्ञा लिया कि भोजन बना दो। भोजन तैयार किया, नारद जी को खिलाया। नारद जी ने खाया तो नारद जी ने कहा, तेरे गुरु धन्य है, माता पिता धन्य है, जिन्होंने ऐसा तुझको ज्ञान दिया। तो सुंदरी देवी ने कहा, मैंने तो गुरु बनाया ही नहीं, मैं निगुरी हूँ। तो नारद जी दुखी हो गए कि निगुरा के घर में भोजन नहीं खाता हूँ, पानी नहीं पीता, और मैंने भोल से भोजन कर लिया। तो नारद जी ने उल्टी कर दिया, बंद कर दिया, बोले मुझे पाप लग गया। सुंदरी को बड़ा दुख हुआ। सुंदरी ने कहा, महाराज अगर ऐसी बात है तो आप हमें गुरु मंत्र दे दीजिए। नारद जी ने कहा, जाओ स्नान करके आओ। बोले हम सुबह स्नान कर चुके हैं, बार बार स्नान की क्या जरूरत है। स्नान करने जाएंगे कोई बहका देगा, वहाँ कोई बोल देगा कि अभी गुरु मंत्र क्यों लेते हो, जब पति आ जाए तब ले लेना, बुढ़ापा आ जाए तब ले लेना, अभी इस उम्र में गुरु मंत्र की क्या जरूरत है, ऐसे समझाने वाले लोग मिल जाते। तो नारद जी ने कहा, चलो मैं गुरु मंत्र दे देता हूँ। गुरु मंत्र दे दिया। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। शाम को जब पति आया, सुंदरी के गले में कंठी माला देखा, पति को बहुत क्रोध आया। कही के कहे लीन तई माला, जान परा आवा तेही काला। पंडित कृष्णदत्त ने अपनी धर्म पत्नी सुंदरी देवी से कहा, किसके कहने से तुमने माला पहना, मंत्र सुना, लगता है तुम्हारा काल आ गया है। बहुत क्रोधित हुआ पति। पत्नी कोई गलत काम करे तो डांटना उचित है, और अच्छा काम करे यदि डांटोगे तो बहुत पाप लग जाएगा। सुंदरी ने कहा कि पति देव इतना गुस्सा मत करिए। बोले मैं तुझे मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सुंदरी ने जवाब दिया,
चहु तन टोक टोक करी डारो भावै अनल माही यही जारो धरती तो पिमोर बरु देहु तजहु न प्रण मम राम ही एहु। धरती खोद कर मुझे शरीर को गाड़ दो, टुकड़े टुकड़े काट दो, मार डालो, लेकिन अब राम की भक्ति में नहीं छोड़ूंगी। पंडित कृष्ण दत्त बोले, ये भी एक घर में झंझट शुरू हो गया, फालतू भक्ति भगता। सुंदरी देवी दृढ़ता के साथ, पंडित कृष्णदत्त मन में सोचते हैं कि नारी को मारना भी नहीं चाहिए, नारी की हत्या भी नहीं करना चाहिए, और घर से भी निकाल दो तो जगत में लोग हंसेंगे, और मार दो तो पाप बहुत लगेगा, तो क्या करूं। पंडित कृष्णदत्त ने कहा, चलो ठीक है, अब ज़्यादा कोई टंटम मत करना, भक्ति करो। जब भोजन परोस कर दिया तो दूर से थाली रख दिया, और थाली में जो जूठन बची पति की उसको अलग कर दिया, खुद नहीं खाया। रोज जूठन भी खा लेती थी कि जो भी पति की थाली में बचा खा लेंगे, लेकिन अब खाना बंद कर दिया, क्योंकि पति निगुरा और पत्नी गुरुभक्त हो गई, तो निगुरा का खाना नहीं चाहिए जूठा। कृष्णदत्त सोचते हैं कि हमारे घर में एक समस्या नहीं खड़ी हो गई। पंडित कृष्णदत्त जब बहुत परेशान हो गए तो बोले, अब की गुरुआ मई यही ग्रामा, हम हूँ गुरु करि सुमिरौ रामा। अब की तुम्हारे गुरु इस गांव में जब आएंगे तो हम भी उनको गुरु बना लेंगे, और तुम्हारे जैसे हम भी राम राम जपेंगे। अब झंझट खत्म करो। अगर पत्नी की भक्ति से प्रभावित होकर के पति गुरु मंत्र ले ले तो पत्नी का पुण्य दुगना बढ़ जाता है। अगर पति के प्रभाव से पत्नी को भक्ति मिल जाए तो पति का दुगना पुण्य बढ़ जाता है, और जिसके प्रभाव से पूरे क्षेत्रवासियों को, हजारों लोगों को भक्ति सत्संग और गुरु का दर्शन मिल जाए तो उसका तो बहुत ढेर पुण्य उदय हो जाता है। नारद जी का आगमन हुआ, सुंदरी देवी ने अपने पति को ले जाकर कहा कि इनको भी गुरु मंत्र दे दो गुरु जी। नारद जी ने कहा, जाओ पंडित कृष्णदत्त स्नान करके आओ। स्नान करने चले गए, पहले से ही ढील ढाल तो थी ही, अब पत्नी की वजह से ले रहे गुरु मंत्र, तो नहाने चले गए। नहाने गए तो वहाँ दूसरे पंडित मिल गए, उन्होंने उनकी धोती पकड़ कर खींचा कि इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो। बोले, स्नान करने जा रहे हैं। तो क्यों स्नान करने जा रहे हो? बोले, नारद जी आए हैं, गुरु मंत्र लूँगा। बोले, तुम भी आदमी ऐसे ही हो, ब्राह्मण कहीं गुरु मंत्र लेता है? ब्राह्मण स्वयं ब्रह्मज्ञानी होता। अहंकार। और फिर गुरु मंत्र लेना है तो कुंवर महीने में थोड़े लेना है, कार्तिक में लेना चाहिए और शुक्ल पक्ष में लेना चाहिए। बिना स्नान किए पंडित कृष्णदत्त वापस लौट आए। नारद जी तैयार बैठे थे, आएंगे गुरु मंत्र देंगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात? बोले, महाराज विचार बदल गया है, अभी गुरु मंत्र नहीं लेंगे, कार्तिक महीने में लेंगे। ये कौर महीना है, पितृपक्ष महीना है, इसमें गुरु मंत्र नहीं लिया जाता। तो नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। कार्तिक महीना आया भी नहीं। कहे पंडित क्वार जान अब दीजे, कार्तिक माही गुरु दीक्षा दीजे। नारद जी ब्रह्मलोक चले गए। क्वार महीने के लास्ट में ही
कुछ बीमारी फैली, वायरस कोरोना जैसी, पति पत्नी दोनों मर गए। तो सौनक जी सूत जी से पूछते हैं, मर करके दोनों आत्माएं कहाँ गई? तन तज गए कहाँ दो प्राणी, हे सूत जी समझावो ज्ञानी। तन तज गए कहाँ दो प्राणी, ये शरीर छोड़ करके दोनों प्राणी कहाँ चले गए? सूत जी कहते हैं, हे सौनक जी, दान दिहिसियो गुरु किहिसि भई कन्या नृप केरी। सुंदरी देवी ने दान भी दिया और गुरु भी किया और मंत्र भी सुना, तो एक राजा के यहां, राजा चंद्रसेन के यहां कन्या का जन्म मिला उसे, वो राजकन्या बनी है। बोले, और उसका पति जो गुरु मंत्र नहीं ले पाया था, उसका क्या हुआ? बोले, वो जंगल में हाथी के बच्चे का जन्म मिला है उसको। अब जो लोग गुरु मंत्र नहीं लिए हो ना, बस अगली बार हाथी बनकर पैदा हो, घूमते रहो, कभी कभी पीठ पर हम भी बैठेंगे, चल हाथी मेरे साथ शोभा यात्रा में। फिर बोले, वो हाथी के बच्चे का क्या हुआ? आगे आगे की कहानी सुनाओ इनके दोनों जीवन की, कि इसको भक्ति से क्या हुआ, उसको क्या नहीं हुआ। बोले, उस हाथी के बच्चे को राजा चंद्रसेन ने जंगल से पकड़वा कर अपने द्वार पर मंगवाया। तब राजा महाराजा लोग हाथी पालते थे ना। अब वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हो रही है और हाथी का बच्चा भी बड़ा हो रहा है। राजा चंद्रसेन अपनी कन्या के विवाह की तैयारियां कर रहे हैं। हाथी के बच्चे ने जब सुना कि कन्या का विवाह होने जा रहा है, तो हाथी के बच्चे ने दाना घास खाना छोड़ दिया। राजा चंद्रसेन ने वैद्यों को बुलाकर इलाज करवाया, हाथी ठीक नहीं हुआ। कन्या ने कहा कि मैं इसको ठीक कर दूं, दाना घास खिला दूं। बोले, ठीक कर दो, इतना अच्छा हाथी का बच्चा है, मर जाएगा। जा, कन्या गई उसके पास और क्या कहती हाथी के बच्चे से। कन्या समझ गई, ये मेरे पूर्व जन्म के पति देव की आत्मा है। हाथी का बच्चा भी समझ गया, ये पूर्व जन्म की मेरी धर्म पत्नी सुंदरी देवी की आत्मा। कन्या खुश है कि मैं राजकन्या बनी, हाथी का बच्चा दुखी है कि मैं मनुष्य से हाथी बनकर पैदा हुआ। अभी इस कन्या के साथ कोई दूसरा विवाह करेगा, उससे पहले मैं मर जाऊं तो अच्छा है, खाना पीना छोड़ दिया, मैं नहीं देख पाऊंगा कि मेरी पत्नी को दूसरा विवाहित करके ले जाए, पूर्व जन्म की मेरी पत्नी ही। कन्या कान में जाकर के उस हाथी के बच्चे के कान में कहती है, तब कीन्हों कातिक की आशा, अब काहे छाड़ो दाना सा। तब कातिक की कीन्हों आशा, अब काहे छाड़ो दाना सासा। हे पति देव, जब मनुष्य का शरीर था, हम तुम पति पत्नी थे, नारद जी गुरु मंत्र देने के लिए आए थे, तुम स्नान करने गए थे, लौट आए थे, दूसरे पंडित के बहकावे में पड़ गए और बोले कार्तिक महीने में गुरु मंत्र लेंगे। अब कार्तिक से पहले कुंवर में ही मर गए। अब मर करके जब गुरु भक्ति नहीं किया, गुरु मंत्र नहीं सुना, तो उसी कर्म फल से तुम हाथी बने हो। अब दाना घास क्यों नहीं खाते भाई? अब नखरा फालतू बना रहे हो, पहले गुरु मंत्र ले लेते आप। और मैंने गुरु मंत्र लिया, गुरु भक्ति किया, दान किया, पुण्य किया, तो मुझे तो राजकन्या के रूप में जन्म मिला है। अब हमारा तुम्हारा विवाह तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हाथी के साथ थोड़े कोई लड़की का विवाह होता है। अब ये ढोंग मत मचाओ, खा लो नहीं मर जाओगे, खाम खान लफड़ा पालते। डांटा थोड़ा उसने,
तो हाथी का बच्चा बोला, हम मर भले जाइब लेकिन खाइब ना, अब मर जाइब तो चाहे तुमका जो कोई ले जाए बियाह करके, लेकिन जिंदम देख पाइब नहीं। तब कीन्हों कातिक की आशा, अब काहे छाड़ियो दाना घासा। हाथी धड़ाम से गिर गया बेहोश होकर कि यह हमारी पत्नी हम एक समझावे आई है, अब खुद नहीं कुछ कह सकत कि हम ब्याह ना करीबे, तो वो कुंवर रह जाए तो कहाँ हर्ज। जब धड़ाम से गिर गवा तो कन्या को लगा यो बहन मर जाए लागत। तो कन्या ने फिर कान में कहा, कहा मरो ना, चलो हम ब्याह को इस ना करीबे, कुमारन रह जाए। बेवकूफ कहीं का फालतू बो। तो हाथी उठ के खड़ा होगा, हंसने लगा, अब ठीक है। अभी हाथी जैसा पति मिले तो लड़की को दुर्दशा, फालतू पहले से गुरुमंत्र नहीं लेने हाथी बन के मर ही जाता, कहे मरत हो। अब हाथी के साथ ब्याह करो जाए या बवाल बनाओ तो फालतू। कन्या ने संकल्प ले लिया, मैं विवाह नहीं करूंगी, कुंवारी ही रह जाऊंगी, कोई बात नहीं। राजा ने स्वयंवर की रचना किया, हाथी बहुत दुखी हुआ कि राजा भी मानेगा नहीं। एक से एक राजकुमार आकर के मंडप में बैठ गए। प्राचीन समय में जो लड़कियों के विवाह होते थे स्वयंवर होता था, स्वयंवर का मतलब लड़की अपने आप वर का चुनाव करती थी, सब राजकुमार बैठते थे, माला उसको दी जाती थी जयमाला, कि जिस राजकुमार को पसंद करो उसके गले में जयमाला डाल दो। लेकिन वर्तमान में हमारे विद्वान और ज्ञानी लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने इस परंपरा को चेंज कर दिया, क्योंकि वो लड़की उस समय अज्ञान दशा में होती है, उतनी बुद्धि उसकी विकसित नहीं होती है, समझदार नहीं होती है, किसी गलत व्यक्ति को माला डाल दे तो उसकी जिंदगी सब बर्बाद हो जाती है। इसलिए माता पिता साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं कि तेरा पति तेरा वर ऐसा होना चाहिए ताकि तेरी जिंदगी आगे सुखी रहे। इसलिए जयमाला प्रथा, स्वयंवर प्रथा खत्म हो गई। अब ठीक से देख करके घर भी देखा जाता है, वर का घर, उसके माता पिता को देखा जाता, उसका कारोबार देखा जाता, धंधा देखा जाता, वो सर्विस करता क्या करता है सब देखा जाता, उसके बाद विवाह सेट होता है, पता लगाया जाता है ये दारू तो नहीं पीता, बांगड़ू आदमी, दारू पीता हो तो ऐसा दामाद नहीं बनाऊंगा, तो दामाद भी होशियार है, ऐसा बनठन के खड़ा होता लगता है पूरा इंद्रलोक से इंद्र देवता आया। दारू तो दारू, दूध भी नहीं पीता है, इतना सादा जीवन है। और शादी होने के बाद फिर रावण बनकर खड़ा होता है, फिर बोतल पर बोतल लगा रहा है, नालायक पूरा बर्बाद करके रख दिया। तो वो लड़की भी सोचती है, अरे राम से शादी किया है, रावण कैसे हो गया। और कितने पुरुष भी बहुत देखते हैं कन्या को, देखते उसका फोटो देखते और फिर देखते, हाँ ठीक है, वो ग्रह नक्षत्र सब मिलाते, पंडित बुलाते, ये करते वो करते, बोले कन्या ठीक है, इसके माता पिता भी ठीक है, ये ठीक है, शादी किया। तो शादी से पहले वो कन्या बिल्कुल ऐसे दिख रही थी, बिल्कुल सीता जैसी, वाह मिथिला की सीता, खुश हो गया दूल्हा जो बनने जा रहा था कि सीता मिल रही है। शादी होने के बाद जब ससुराल पहुंची वो सीता, तो सुपर्णखा बन गई। वो पति बेहोश हो गया कि ये क्या हो गया, लाए थे मिथिला सीता, ये लंका की सुपर्णखा कहां से आ गई, पूरा नरक बना डाला, गुर्राती है शेरनी जैसे बैठी है, आई थी बिल्ली जैसे म्याऊं करते करते, म्याऊं घर में आऊं कुछ खाऊं, एक साल बाद शेरनी हो गई है, सासों का गला दबा दिया कि न खाऊंगी न खाने दूंगी, सासू भी समझ गई कि अब मरना तो ही है, इसी के हाथ से मर जाओ तो ज्यादा अच्छा।
ऐसा शादी साहेब बंदगी। फिर क्या हुआ पूरा सुना दूं, आगे क्या हुआ कि कल सुनाऊं? अरे आज ही निपटा दो फालतू बवाल, कल और को सुनाए। हाँ कल को क्या टालना है, कल कौन समझता क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सत्संग होने वाला और क्या होने वाला। कन्या को जयमाला दी गई, कन्या जयमाला लेकर के राजकुमारों के बीच में घूमती है, अंत में जाकर के हाथी के बच्चे को जयमाला पहना देती है। सभी राजकुमार शर्मिंदा हो गए कि अरे इतने राजकुमार बैठे हैं, हाथी कुमार को माला पहन गए, हम लोगों को बेइज्जती हो गई। प्राचीन समय में लोग शादी के लालची बहुत थे, एक कन्या के विवाह के लिए 1000 राजकुमार बैठते थे, सब बैठे थे मुकुट लगाए, टुकुर टुकुर देखत कि शायद नंबर हमारे आ जाए, इतने मूर्ख है पूरा। हाँ बवालम फालतू, शादी वादी में कौन सुख रखा है, फालतू बकवास है, दुनिया भर का झंझट जो नरक मरे के बाद भोगिक रहे वो जिंदगी में भोग ले सब। हाँ इसमें सुख कहाँ है, लालच में वहाँ राजकुमार सब बैठते थे। अब व्यवस्था ठीक है तो मंत्रियों ने, राजा ने कहा रे हाथी के बच्चे को माला पहना दिया, कन्या कुमारी है, अज्ञान है, छोटी है, बारी उम्र है, निकालो माला निकालो। हाथी बड़ा खुश हुआ जब माला पहनाया गया, बोला चलो ठीक है। फिर माला निकाल लिया गया तो हाथी दुखी हो गया कि लगता है ये लोग विवाह हमारे साथ होने नहीं देंगे। माला निकल गया, कन्या को रानी अपने पास बुला कर ले जाती है। रानी ने उसको अंदर कमरे में ले जाकर डांटा कि तुझको राजकुमार और हाथी कुमार नहीं दिखता, ये हाथी का माला पहना है, इतना बुद्धू है, ये जो आदमी जैसे चेहरा इनको पहना ये पति बनेंगे, हाथी थोड़े तेरा पति बनेगा। उसने कहा ठीक 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 समझ गए, छोटी हूँ इसलिए समझ में नहीं आया। फिर दूसरा जयमाला दिया गया, फिर ले जाकर हाथी को पहना दिया, पूरा हल्ला हो गया, सब राजकुमार उठकर खड़े हो गए, भगदड़ मच गई, अरे बोले बदनामी हो गई यहां आकर के, हाथी बर हो गया और हम लोग सब बेइज्जत हो गए, सब राजकुमार भाग गए। राजा चंद्रसेन बहुत दुखी हुए, तलवार निकाल ली, कहा इस कन्या को मैं तलवार से मार दूंगा। तो जो ब्राह्मण सब विवाह करवा रहे थे खड़े हो गए, तलवार पकड़ ली, बोले मारना नहीं, कन्या को मारा नहीं जाता, शांति रखो। बोले अग्नि कुंड खोदो, क्या मुंह दिखाऊंगा, दुनिया क्या कहेगी कि राजा का दामाद हाथी है, इससे अच्छा मर जाऊं मैं ही। अग्नि कुंड खोदा गया, उसमें राजा चंद्रसेन कूदने लगे, जिंदा जल जाऊंगा। अपमान का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे कठिन जाति अपमान। राजा चंद्रसेन जब अग्नि कुंड में कूदने लगे उसी समय नारद जी आ गए, उन्होंने रोक लिया कि रुको, आत्महत्या नहीं की जाती। राजा चंद्रसेन ने कहा तो कन्या की हत्या कर दूं, बोले कन्या की भी हत्या नहीं की जाती। बोले तो क्या करूं, तुम्हारी हत्या कर दूं? अरे बोले किसी की हत्या नहीं करना। बोले फिर? बोले रास्ता है। बोले क्या? बोले अगर इस हाथी के बच्चे को गुरु मंत्र सुना दूं तो ये फिर से बालक बन जाएगा और फिर उस बालक का तुम्हारी बालिका से विवाह होगा, फिर दोनों को गुरु मंत्र दे देंगे तो इनका दंपति जीवन गृहस्थ जीवन धन्य हो जाएगा। राजा चंद्रसेन नारद के चरणों में गिर जाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि महाराज जल्दी कर दीजिए फिर ये काम। नारद जी हाथी को गुरु मंत्र देते हैं, गुरु मंत्र सुनते ही हाथी का बच्चा गायब हो जाता है और मनुष्य के सुंदर बच्चे के रूप में प्रकट होता है। नारद जी दोनों का विवाह करा देते हैं, पति पत्नी दोनों को गुरु मंत्र दे देते हैं और दोनों का कल्याण होता है, राजा चंद्रसेन का दुख मिट जाता है। ये गुरु मंत्र की शक्ति होती है, हाथी जैसे मतवाले लोग
भी बालक जैसे सरल और कोमल बन जाते हैं और उनका जीवन भी तर जाता है, धन्य हो जाता है। बड़ा संदेश।